आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, उसका ट्रिक पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक का, उसका एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक। तो हम लोग को याद रखना पड़ता है 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर। देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखा हुआ है सिंबल, 20 तक का हम लिख चुके हैं। एस से क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, इस तरह से चलता जा रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एल्युमिनियम बोलते हैं इसको, ये 13, और इधर हमारा हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक का हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसका एटॉमिक मास देखिए कैसा होता है, 1 का 1 ही रहता है, और जितना भी इसमें इवन नंबर है, इवन नंबर क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो जो इवन नंबर होता है उसका डायरेक्ट डबल होता है एटॉमिक मास, इसका हो जाएगा 4, और जो ऑड नंबर रहता है उसका क्या होता है, डबल से एक ज़्यादा, जैसे 3 है तो 3 का डबल होता है 6, तो ये 7 हो जाएगा। इसका रूल आप लोग यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, जैसे ऑड अगर रहेगा तो डबल प्लस 1, और अगर इवन रहेगा तो डायरेक्ट सिर्फ डबल करना है। यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है, ये देखिए 4 का 8, 5 का 11, 6 का 12, 7 का 15, 8 का क्या हो जाएगा 16, 9 का 19, 10 का 20, 11 का 23। यहाँ पे इवन नंबर है तो डायरेक्ट 24 डबल, इसका 27, इधर ये इवन है तो इसका 28, ये ऑड है तो 31, ये इवन है। ऐसा करके सारा हम लोग को ऐसे ही लिखना है, जितना भी ऑड है उसमें एक ज़्यादा कर देना है, 35, ये 36, ये 38, 39 और ये 40। तो हम लोग को बेसिकली 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर याद रखना ही होगा, और बाकी जो पूछा जाता है वो एक दो चूज करके पूछा जाता है, लेकिन 1 to 20 तक आप लोग को याद करना होगा एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर आप लोग इसको देख के आसानी से लिख सकते हैं।